इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सीएम सैनी ने कांग्रेस के मेवा सिंह को शिकस्त दी है। जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से, जहां लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी जीत चुके हैं। आपको बता दें कि मेवा सिंह को करारी शिकस्त देने के बाद उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। हरियाणा की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ, ऐसा सीएम सैनी ने कहा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी है। इसी बीच लाडवा के बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को शिकस्त दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस में हरियाणा में विधानसभा चुनाव कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट हॉट सीटों में से एक थी, क्योंकि यहाँ के कार्यवाहक सीटों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि सैनी कांग्रेस के मेवा सिंह को शिकस्त दिए हैं और जीत के बाद बोले हैं कि लाडवा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार जताया है। उन्होंने बोला कि पीएम मोदी इस जीत के हकदार हैं, इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं हरियाणा से। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो जलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।